और गाइस यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है, बर्फ भी गिरता है बहुत सारा। एंड फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या स्मोक है जैसा, यानी धुआं धुआं यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत पत्थरों का ये पहाड़ है, टॉप पे है हम। ये देखिएगा हमने यहाँ पे शिला टॉप क्रॉस किया है। चंपेंग यंकी बुद्धा पार्क तवांग मिनिस्ट्री जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो गाइस जो पिछला एपिसोड था वो दिरंग तक था, जो बोमडिला से लेकर हमने दिरंग की जर्नी पूरी की थी वो एपिसोड में आप लोगों को दिखाया। एंड फिलहाल हमारा जर्नी तवांग तक शुरू हो चुका है और फिलहाल हम जाने वाले हैं सिला टॉप में। जी दोस्तों, ये एक नया एपिसोड है और यहाँ पे एक बढ़िया सा हमें रिवर देखने को मिला। जी हाँ, चलिए शेयर कर देते हैं इस रिवर को आप लोगों के साथ में। ये देखिए, और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तवांग तक, एंड उससे पहले हमें काफ़ी बढ़िया चारों तरफ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक रिवर है, देखिए किस तरीके से रोड के किनारे से बह रहा है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रिज हमें देखने को मिल जाता है इन एरियाज में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, सामने देखिए किस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत रोड से होकर हम गुजर रहे हैं। हम सिला टॉप के आसपास ही है फिलहाल और ऊपर हम उठ रहे हैं। एंड सामने का व्यू देखिए, क्या खूबसूरत व्यू, जो रोड है बहुत ही मस्त लग रहा है। और तवांग तक जाने से पहले यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा सिला टॉप एंड सिला पास से होकर। एंड ये जो एरिया है बेसिकली ये सिला टॉप से पहले ही पड़ता है। और ये जो एरिया है पूरी तरीके से फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी सारा पक्षी हो या फिर एनिमल्स इन एरियाज पे देखने को मिल जाता है। और ये जो एरियाज है बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारा पोस्टर भी लगा हुआ है कि ये जो एरियाज है ये फॉरेस्ट एरिया है, बेसिकली काफ़ी सारा एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। एंड धीरे धीरे से जो हमारा अगला जर्नी है वो शुरू हो चुका है। बढ़िया तरीके से मस्त व्यू देख के हम यहाँ से जा रहे हैं। एंड ये देखिए क्या मस्त यहाँ पे हमें एक पहाड़ देखने को मिल रहा है लेफ्ट की तरफ, और बढ़िया काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। पूरा जो अरुणाचल है कुछ इस तरीके से हमें व्यू देखने को मिल जाता है। पूरा एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इन रोड से जैसे ही हम क्रॉस कर रहे हैं, इन व्यूज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा माइंड फ्रेश हो रहा है। और सिनेमेटिक शॉट के ज़रिए मैं आप लोगों को ये वाला व्यू को ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, क्या खूबसूरत व्यू है ये देखिए। और गाइस यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है, इतना खूबसूरत ये पूरा हमें जो व्यू है देखने को मिला। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर लिया और यहाँ से ये खूबसूरत व्यू है, क्या खूबसूरत व्यू है। नीचे देखिए यहाँ पे रास्ता दिखाई दे रहा है, हम वहाँ से यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ऐसा ऊपर से नीचे से यहाँ पे ऊपर देखे थे कि ये वाला टॉप है, और अब सिला जो टॉप है इसके आसपास नज़दीक हम लगभग आ चुके हैं। एंड यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ इस तरीके से व्यू, इस तरफ देखा जाए तो सामने देखिए कुछ इस तरीके से बादल है, शायद सिला टॉप वही है जो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। एंड इस नज़ारे को देखने के बाद मन जो है बहुत शांत हो चुका है। काफ़ी देर से हम गाड़ी में थे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉन्ग वगैरह सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकला और ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठंडा ठंडा हवाएं चल रहा है, एंड ये जो मौसम हम देख रहे हैं या फिर इस व्यू को देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर और ये टॉप में आके, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है, पता नहीं इस एरिया का नाम का है क्या है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये एरिया है। सामने देखिए कुछ इस तरीके से लोगों का घर है रोड के किनारे, एंड नीचे यहाँ से गाड़ियाँ आ रहा है ऊपर से। एंड यहाँ पे हमें आर्मी का कैंप काफ़ी सारा दिखाई दिया, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मिलिट्री लोग जो है, आर्मी के जवान, वो 2400 घंटे यहाँ पे तैनात रहते हैं रोड के साइड में हमें देखने को मिल जाता है। या फिर बात करें टैंक से, वो लोग आना जाना उन लोगों का रहता है, और बढ़िया नज़ारा है। और चलिए आगे चलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से हम निकल चुके हैं एंड आगे कुछ इस तरीके से जा रहे हैं बढ़िया रोड से होकर। एंड काफ़ी मस्त यहाँ पे भी प्लेसेस आगे जो जाने हमारा शुरू हुआ है उसमें भी कुछ इस तरीके से बढ़िया बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। पास से इसे हमने छोड़ दिया है और अब जा रहे हैं सिला टॉप पे। और यहाँ से लगभग सिला जो टॉप है वो 18 किलोमीटर है।
और तवांग है 95 किलोमीटर। तो आज हम 95 किलोमीटर तक जाएंगे तवांग तक, और धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये क्या है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। और गाइस फिलहाल हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये देखिए शिला वॉरियर्स, ये कयांग नांग ये एरिया का नाम है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और बेसिकली अब तो इतना ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं है। फिलहाल ठंड का मौसम यहाँ पे शुरू हुआ है, एंड जब जनवरी फरवरी दिसंबर महीना का यहाँ पे टाइम होता है तो यहाँ पे बर्फ भी गिरता है बहुत सारा। एंड फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या स्मोक जैसा, यानी धुआं धुआं यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू, एंड यहाँ पे हमें बढ़िया यहाँ पे चाय पीने को भी मिल जाएगा। एंड ये जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और नो शिलांग टूपी यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं सामने से यहाँ पे रोड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जंग वाटरफॉल भी यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक व्यू है जो आप लोग आके यहाँ पे इस लोकेशन को देख सकते हो। और ये देखिए खूबसूरत ये पूरा एरिया किस तरीके से नज़र आ रहा है। और सामने यहाँ पे गेट है जो सिला वॉरियर का है, एंड ये आर्मी कैंप की तरह ही है। ये सामने बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन वहाँ पे तक जाके वीडियो एंड फोटोज आप लोग नहीं खींच सकते हो, लेकिन हमने परमिशन लेके यहाँ पे वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा मस्त प्लेस है। यहाँ पे रुक के हम फोटो सेशन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी देर हमने यहाँ पे रुका है, बहुत ठंड महसूस हो रहा है क्योंकि हम बहुत ही ऊपर है, टॉप पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी फॉग पड़ रहा है और हमें ठंड महसूस हो रहा है। चारों तरफ यहाँ पे बादल दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं शिला टॉप के ऊपर, एंड यहाँ से जा रहे हैं, और सामने का व्यू देखिए। और फाइनली जिस जगह का इंतजार था शिला टॉप, गाइस फाइनली हम आ चुके हैं शिला टॉप में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेस है, देखिए सामने यहाँ पे एक पहाड़ है और पत्थरों का ये पहाड़ है। टॉप में है हम, और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये शिला टॉप, और खास करके यहाँ पे आके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लगभग घंटों यहाँ पे हमने बिताया। और इस वाले जो शिला टॉप है इसमें अगर आप शोर करते हो, चिल्लाते हो, तो जो आवाज है वो रिटर्न हो जाता है, जो इको है हमें यहाँ पे सुनाई देता है। बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा है, लगभग 10 टेम्परेचर यहाँ पे है। एंड सामने चलिए चलते हैं और आगे का जो सीन है इसे आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए यक यहाँ पे है, देखने मिलता है ये। आगे चलते हैं एंड वहाँ पे सामने जाएंगे, सामने जाके इस व्यू का मजा लेंगे आके शिला टॉप पे। मुझे लगा नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल ये प्लेस होगा, और जाने का यहाँ से मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बहुत ही ज्यादा एक अच्छा यहाँ पे मौसम बना हुआ है। ऐसा व्यू हमें अरुणाचल में काफी कम देखने को मिला, लेकिन जब से मैं शिला टॉप पे आया ये व्यू देख के गजब का गाइस सीन यहाँ पे, एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे लिए रहेगा। यहाँ पे आप लोग आते हो, बहुत सारे जगह आपने लाइफ में देखा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा सीन, ऐसा व्यू आप लोगों को शायद ही मिला होगा। और मैं शिला टॉप में आके ये मस्त व्यू का मजा ले रहा हूँ। टॉप का इस निचले हिस्से में चलिए चलते हैं, एंड वहां से सामने का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए याक यहाँ पे नजर आ रहा है, और अंत तक हम आ चुके हैं इसका। और यहाँ से इस खूबसूरत जगह का चलिए मजा लेते हैं, और नीचे भी आप जा सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से आप नीचे एकदम नीचे, और इसके बाद में इसका जो पहाड़ है यहाँ से खत्म हो जाता है। ब्यूटीफुल नजारा है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोगों को ये जो व्यू है कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़िया है, काफी अच्छा नजारा। यहाँ पे देखिए ये लोग हैं, और फिर से एक बार मैं चिल्लाता हूँ, और ये जो इकोसिस्टम है ये डेफिनेटली रिटर्न आएगा। ये देखिएगा, ये शायद ही मेरा कैमरा में आया होगा। तो गाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए,
बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है और इस वाले वीडियो को शूट किया है मेरे भाई एजाज ने, थैंक यू सो मच। अच्छी तरीके से ये पूरा एरिया को दिखाया इसने, बढ़िया अमेजिंग अमेजिंग। ये सामने देखिए, ये सभी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब से रुका शिला टॉप में, एक बढ़िया एक्सपीरियंस हमारे लिए था, काफी यहाँ पे हमने मजा किया। और चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड जो आगे का जर्नी है वो शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन को फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों के साथ, ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया सीन यहाँ पे है। एंड फिलहाल यहाँ से शिला टॉप से हम चले जाएंगे। इजाज भाई आवाज बहुत कमजोर है भाई, यहाँ पे कमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे दे दो ना, हम फिर से चिल्लाते हैं, क्या आप लोगों को इको का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है या नहीं, जरूर बोलिएगा। और जोर से चिल्लाओ इजाज, जोर से चिल्ला दे। और गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो शिला टॉप है वो दिखाया है एंड यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए आए हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये जो चिप्स है इतना फूला हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम है। और यहाँ पे हमने एनर्जी ड्रिंक पिया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है, तो यहाँ पे हमने काफी घूमा तो एनर्जी लॉस हो चुका है। एंड इस वाले चीज को देख के मतलब काफी आश्चर्यजनक लगा कि हमें देखने को मिल रहा है ये सभी चीजें। एंड सिस्टर ने बताया कि वो काफी कम क्वांटिटी में यहाँ पे ये चीज रखते हैं क्योंकि ये फट भी जाता है। तो बढ़िया अच्छा यहाँ पे एक चीज जानने को मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो अरुणाचल एंड ऐसे अमेजिंग सा चीज देखने को मिलता है जो कभी आप अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। और गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को शिला टॉप दिखाया और जैसे ही शिला टॉप क्रॉस किया उसके बाद ये देखिए खूबसूरत रिवर हमें सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज्यादा ये एरिया बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें एक लेक देखने को मिला, इतना ज्यादा खूबसूरत है एंड यहाँ से जो व्यू है बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए है और सामने देखिए पहाड़ पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए बादल किस तरीके से मंडरा रहा है। तो ये जो बढ़िया मौसम है एंड यहाँ पे बढ़िया सीन है एंड सामने ये वाला लेक देख के काफी मजा आया। बहुत अच्छा ये जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस है, खूबसूरत दिखता है और काफी आके यहाँ पे मजा भी आ रहा है। तो धीरे धीरे चलेंगे फिलहाल तवांग तक एंड यहाँ पे रुक के ये वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है और इसे कहते हैं शिला लेक, शिला टॉप के थोड़ा सा नीचे ये एरिया है। और इस वाले व्यू को देखिए, क्या खूबसूरत व्यू यहाँ से नजर आ रहा है, काफी बढ़िया रिवर यहाँ पे हमें देखने को मिला। जैसे ही हमने यहाँ पे शिला टॉप क्रॉस किया है उसके बाद यहाँ पे खूबसूरत हमें झील दिखाई दिया, ऐसा नजारा शायद ही कब हमें देखने को मिलेगा। और इन नजारे को यहाँ पे हमें शूट करना पड़ा है एंड उसके बाद ही यहाँ से हम निकल चुके हैं और इसी रिवर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं शिला सी के उस पार से इस पार में और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा फ्लैग लगा हुआ है। बढ़िया ये नजारा यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा हवाएं चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम एंड बहुत यहाँ पे ठंड महसूस हो रहा है। अगर यहाँ पे 15-20 मिनट रुका तो और ज्यादा ठंड लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद चलेंगे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बादल बह रहा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आके मिल रहा है अरुणाचल में एंड इस वाले जगह में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने देखिए जो रिवर है इससे यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप दिखाओ, पूरा लेक है और अच्छा जगह है, खूबसूरत जगह है, फोटो खींचने के लिए हो, वीडियोग्राफी के लिए हो, बहुत ही अच्छा है। और देखिए किस तरीके से हवा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो चलिए यहाँ से भी वाले जगह से भी निकलते हैं
और जैसे ही हमने यहाँ पे शिला टॉप छोड़ा, उसके आगे कुछ इस तरीके से खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, कितना खूबसूरत व्यू है ये देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक प्लेस देखने को मिल रहा है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो गाइस, इस जाने का एक खूबसूरत पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बहुत ही अच्छा सीन दिखा यहाँ पे। ये देखिए, ये शिला से आकर थोड़ा आगे है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ से बढ़िया रोड दिखाई दे रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव ये प्लेस है, इतना खूबसूरत भाई यहाँ पे देखने में क्या बताओ। और इस एरिया को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत ये एरिया है, काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है और खूबसूरत ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। सामने यहाँ पे कुछ पेड़ है, इसके अलावा यहाँ से जो नजारा है, सोचा कि यहाँ से इस वाले एरिया को थोड़ा देख लेता हूँ, और बढ़िया नजारा है, काफी इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ से हमने शुरू कर दिया है हमारा आगे का जर्नी, एंड इस वाले एरिया को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ से रोड कुछ इस तरीके से गुजर रहा है, बढ़िया यहाँ पे रोड कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। और इन एरियाज़ का जो खूबसूरती है उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे हज़ारों यहाँ पे हमें सीन देखने को मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग प्लेस में। और फिलहाल वक्त लगभग 2 बजे के आसपास है, और 2 बजे कुछ इस तरीके से सीन है, एंड ये जो हमें मौसम देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे क्लाइमेट है ये चेंज होता रहता है, कभी यहाँ पे हमें बर्फ जैसा महसूस होता है, कभी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो बादल है वो हट जाता है, उसके बाद फिर से कुछ इस तरीके से सीन देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली जो पूरा एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, तो कुछ इस तरीके से सीन हमें यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम फिलहाल शुरू हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे हम एक जगह रुके और यहाँ पे एक भाई मिल गए। भैया, इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम नाक्रोंग ना। तो यहाँ पे एक बढ़िया वाटरफॉल है, ये सामने देखिए। और ये जो फ्लैग हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या फ्लैग का माने क्या है? हाँ, अच्छा, बुद्धिस्ट का जो यहाँ पे फ्लैग, वही ना, धर्म का फ्लैग है ये बेसिकली, ये सभी। तो यहाँ पे काफी सारे चीज लिखा हुआ होगा ना धर्म के बारे में, है ना। अच्छा, तो बेसिकली मैं वही सोच रहा था कि इन फ्लैग्स के बारे में क्या है, तो भाई ने बताया। थैंक यू सो मच, आपका नाम? थैंक यू सो मच। और गाइस, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे एरिया है, सामने वाटरफॉल है, एंड यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का जो फ्लैग है, उनका जो सिंबल है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। चलिए आगे चलते हैं एंड इस वाले एरिया को कवर करते हैं, खास करके यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और तवांग जाने से पहले ऐसे बढ़िया प्लेसेस हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट साइड से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये दिखाइए क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये वाटरफॉल बहुत ही मस्त है, चलिए वहाँ पे चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, एंड आप लोगों को दिखाते हैं इस वाले नज़ारों को। और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रस्तों का काम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया रास्ता मिलेगा टूरिस्ट लोगों के लिए, बहुत ही बेटर रहेगा ये सभी चीज़ें। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये एरिया है, और ये सामने का व्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ से मैं आप लोगों के साथ इस व्यू को शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस वाले वाटरफॉल को भी दिखा देते हैं, सामने जाते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हमें यहाँ पे और देखने को मिल रहा है। क्या मस्त नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर तो यहाँ पे आते हैं अरुणाचल में ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से ना जाओ घर तक, यहाँ पे ही रुक जाओ, इतना अच्छा अच्छा प्लेस, इतना अच्छा अच्छा खूबसूरती नेचर, एंड सामने का व्यू लगभग चारों तरफ का दिखाए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड चलिए आगे निकलते हैं।
और इस वाले एरिया को छोड़कर फिलहाल हम आगे जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से जैसे ही आगे जा रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे हमें रोड के किनारे हमें ये सीन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही इससे आगे चल रहे हैं तो ये देखिए बाहर का सीन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और सिर्फ 30 किलोमीटर के बाद हम तवांग पहुंच जाएंगे। एंड तवांग से पहले हमें एक यहाँ से एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दिया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा है शेयर कर देता हूँ। सामने यहाँ पे देखिए एक बुद्धिस्ट मंदिर जैसा है, एंड ये पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू, एंड सामने का व्यू जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए इसे शेयर कर देते हैं। ये देखिए गाइस क्या खूबसूरत ये पूरा हमें शहर दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए किस तरीके से लोगों का मकान है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये प्लेस देखने में है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस नज़ारे को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने यहाँ पे भी गाड़ी रोका एंड सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी ये पूरा एरिया जो है इसे शेयर कर देता हूँ। और आगे का गाड़ी शुरू कर दिया है, बढ़िया यहाँ पे चारों तरफ ब्रिज एंड यहाँ पे रिवर देखने को मिलता है, और बढ़िया बढ़िया सीन से होकर हम आगे गुजर रहे हैं। एंड फाइनली जो हमारा डेस्टिनेशन है तवांग का, यहाँ पे आ चुके हैं हम तवांग में। और ये देखिए यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे शहर के अंदर चलिए चलते हैं। और फिलहाल लगभग 5 बज चुका है, जो पूरा दिन का जर्नी है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम तवांग में रुकेंगे, और तवांग का ये जो खूबसूरत हमें शहर देखने को मिल रहा है बहुत ही बढ़िया लाजवाब ये पूरा शहर है। जी हाँ, बहुत ही हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है आने के बाद। और ये देखिए तवांग 0 किलोमीटर, और ये तवांग में हम एंटर हो चुके हैं, और आज रात हम यहाँ पे तवांग में बिताएंगे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं तवांग में, और लगभग 5:30 बज चुका है, और यहाँ पे आज ठहरेंगे। और चलिए फिलहाल होम स्टे के लिए यहाँ पे जाते हैं, कहाँ हमें होम स्टे मिलता है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे रुकेंगे आज। एंड कल हम पूरा जो तवांग है ये घूमेंगे। कुछ इस तरीके से तवांग का व्यू नजर आ रहा है, देखिए बहुत ही ज्यादा ठंड यहाँ पे महसूस हो रहा है जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग। जाने करने के बाद हम बोमडिला से सीधा पहुंचे हैं तवांग तक, एंड तवांग आने के बाद यहाँ पे एक खूबसूरत सा हमें होटल मिला, तो आज रात यहाँ पे गुजारेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा दिखा दीजिए आप, और बहुत ही अच्छा लगा खास करके यहाँ पे आके, और इससे मिलके और भी ज्यादा अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम चंपेंग यंकी। सो इतना ज्यादा मुझे नाम के बारे में यहाँ का नहीं पता। सो यहाँ पे हम रुकेंगे, तो बढ़िया रूम है आपने यहाँ पे हमको दिखाया है, और यहाँ पे फूड के लिए कुछ नहीं है शायद ना? सर अभी तो कुक नहीं है। कुक नहीं है, कुक तो मेरी शिंदे। अच्छा अच्छा, बाहर गए हुए ना। होटल का नाम क्या है? मन की मुझे। अगर आप तवांग पे आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ठहर सकते हो, अच्छा रूम आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, बढ़िया हमें इंतजाम सब कुछ यहाँ पे बेड वगैरह मिलता है। तो आज रात यहाँ पे रुकेंगे, एंड उसके बाद कल शुरू होगा तवांग का जाने, एंड आगे क्या कुछ सीन होता है दिखाते रहेंगे। मिलकर काफी अच्छा लगा, अच्छी तरीके से सभी चीजें यहाँ पे दिखाया, कौन सा रूम में क्या कुछ है, क्या यहाँ पे हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सभी इन्होंने बताया। आप यहाँ पे रहते हो? अच्छा, हम कल यहाँ पे पूरा जो तवांग है वो घूमेंगे, तो यहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या कहाँ पे हम घूम सकते हैं? सर बुद्धा पार्क जा सकते हैं, बुद्धा पार्क, तवांग मॉनेस्ट्री जा सकते हैं, जंग वाटरफॉल और खूबसूरत, जैसे कि यहाँ पे जो चाइना बॉर्डर है नजदीक है क्या यहाँ से? हाँ जी सर। कितना किलोमीटर होगा वो? तो मुझे अच्छे से नहीं मालूम पर। अच्छा अच्छा अच्छा, और खूबसूरत जगह ऐसा आपको मालूम है? मैं आपको काम देता हूँ, आप अपने दोस्तों आज पूछ के यहाँ पे मुझे सुबह तक एक लिस्ट चाहिए पूरा तवांग का, कहाँ कहाँ हम कल घूम सकते हैं, अच्छी बढ़िया जगह जो एक दिन हम जर्नी करके पूरे कर सकते हैं, ऐसा कुछ जगह आप जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे 3 रूम बुक कर लिया, एंड ये देखिए यहाँ पे 2 जन एक साथ रह सकते हैं, एक बढ़िया रूम है। इसके अलावा वॉशरूम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए बढ़िया वॉशरूम यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को।
तो यहाँ पे कल आज रात ठहरेंगे, उसके बाद कल चले जाएंगे। और 3 रूम ले लिया, लेकिन 6 जन हम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 है, तो 5 जन रहेंगे आज 3 रूम लेके। और उसके बाद कल का जो टूर है वो शुरू हो जाएगा तवांग का बेसिकली, एंड उसके बाद हम तवांग जो है 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, एंड उसके बाद हम घर तक निकल जाएंगे। तो बेसिकली ये 1 हफ्ते का जर्नी है, बढ़िया है। मेरे साथ यहाँ पे देखिए एजाज है, हम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड बढ़िया मस्त तरीके से आज रात बिताएंगे। और खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा तो बाहर जाना पड़ेगा हमको, तो बाहर आप निकलते हैं एंड बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा के फिर से इस रूम पे आते हैं। और गाइस रात की फिलहाल 8 बज चुका है एंड हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। ये देखिए आसाम की थाली यहाँ पे हमें देखने को मिला, तो हमने सोचा कि यहाँ से खाना खा लेते हैं, यानी जो डिनर है यहाँ से कर लेते हैं एंड उसके बाद रूम पे चलेंगे। यहाँ पे मैं और इजाज कुछ यहाँ पे चबाने के लिए लेने जा रहे हैं। और ये रात का सीन तवांग का देखिए, कुछ इस तरीके से मार्केट का सीन देखने को मिलता है। एंड फाइनली गाइस सब कुछ खत्म करके 9:30 बज चुका है एंड फिलहाल रूम पे हूँ। अब मस्त तरीके से एक नींद होगा एंड सुबह उठेंगे, उसके बाद पूरा जो तवांग टूर है वो करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।